सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। तो भाई चलिए आज की इस वीडियो में हम यह सीखते हैं किसी भी फाइल को यानी कि किसी भी फोटो को किसी भी ऐप को हम कैसे मीडिया फायर एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद में व्यूअर के साथ कैसे शेयर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं ये तभी सीख सकते हैं जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। यदि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और फिर आप यही बोलेंगे। तो यार खैर छोड़िए चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई ये चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीडिया फायर एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां से सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले हमें मीडिया फायर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में यहाँ साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद में फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, फिर से वही सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद में क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद में हमारा मीडिया फायर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो भाई चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके अब हमें यहाँ पर फोल्डर का नेम एक सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। चलिए जैसा कि हम यहाँ पर अपने चैनल का नेम ही सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने के बाद में क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसा कि हमारा बन गया, बनने के बाद में इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं अपलोड का एक ऑप्शन है, इस अपलोड के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके यहाँ एल्बम्स का एक ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके हमें यहाँ से जो भी फोटो अपलोड करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में अब ये जैसा कि देख सकते हैं वन सेलेक्ट फाइल सेलेक्टेड फॉर अपलोड, यहाँ अपलोडिंग हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, जब अपलोड हो जाता है तब आपको दिखाते हैं। तो भाई जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पर टी शर्ट जो है अपलोड हो चुका है। अब इसको हम ओपन करके दिखा दें, ये जैसे कि हमने ये अपलोड किया था। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर करने के लिए सिंपल सी बात है, इस पर टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कॉपी लिंक के कॉपी टू क्लिप बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें कॉपी लिंक कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम इसे जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो यार चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी ऐप को कैसे हम मीडिया फायर एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से हमें अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके फिर से हमें यहाँ जैसा कि आपके मोबाइल का नेम शो होगा तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर सब फोल्डर शो होने लगेगा। तो हमें उस फोल्डर को ओपन करना है जिसमें हमारा एप्लीकेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ डाउनलोड का फोल्डर मेरा, तो इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन शो होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर पावर एमपी एप्लीकेशन को अपलोड करना चाहता हूँ तो सिंपल सी बात है उस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ वन फाइल सेलेक्टेड का ऑप्शन आ रहा था तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे, जब ये हमारा अपलोड हो जाएगा ना तो यार यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा अपलोड हो चुका है पावर एमपी म्यूजिक प्लेयर। तो सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर टाइप कर देना पड़ेगा। टाइप करने के बाद में फिर से वही करना पड़ेगा प्रोसेस। तो यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी टू क्लिप बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा, फिर यही जो लिंक है इसको पेस्ट कर देना पड़ेगा अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।